देश भर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा फैलने का एक कारण जमातियों को भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने रेड करके तबलीगी जमात के मरकज के काफी अहम दस्तावेज बरामद किए थे और उनकी जांच भी की है। अब पुलिस जल्द से जल्द मौलाना साद को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि पूरे मामले का जल्द खुलासा हो सके। इसी बीच खबर आ रही है कि इसकी अहम जड़ मरकज के मौलाना साद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तबलीगी जमात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मौलाना साद के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मौलाना साद की वजह से तबलीगी जमात के लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला दिया था। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने मौलाना साद को 2 नोटिस भेजकर जाँच में शामिल होने के लिए कहा था। मौलाना ने खुद को क्वारंटाइन करने की बात कहकर जांच में आने से मना कर दिया। इसके साथ ही नोटिस के जवाब में बताया था कि मरकज बंद है इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन अब मौलाना के क्वारंटाइन का समय पूरा हो चुका है जिसके बाद अब मौलाना को दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी देना होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।